बंद लेदन, वो सच है, क्योंकि 2014 में जब शुरू हुए थे तब एमआईएम के कैंडिडेट थे, अपने मजाज भाई थे, उनको बारी अक्से में वोट गिरे, लेकिन फिर भी लोग टीआरएस पार्टी का उस टाइम पे भी सपोर्ट करे। बाद में सेकेंड टाइम ताहिर भाई थे, फिर भी गणेश अन्ना जीते, अब शब्बीर भाई है, फिर भी अल्लाह के करम से गणेश अन्ना जीतेंगे ऐसा मैं ज़रूर मानती हूँ, क्योंकि एक तो अपने कैंडिडेट इतने अच्छे हैं, सोने के टुकड़े हैं नो, और बहुत शांत भी है। दूसरे तरफ कांग्रेस की आपको तो मालूम है, स्टेट वाइड भी उनका हालत कैसा है, एक अनार है 100 बीमार है, सिर्फ एक कुर्सी है, सबको उसके लिए लड़ते रहते। हमारे पार्टी में ऐसा नहीं, आज हम हक से बोल सकते केसीआर साहब ही हमारे अगले सीएम है। कांग्रेस वाले क्या बोलते, कौन है उनके अगले सीएम, तो वो कुर्सी की लड़ाई में वो मसरूफ रहते, लोगों के बारे में वो कभी भी नहीं सोचते। ये बात आज आवाम को भी पता है, इसीलिए आवाम चाहती है कि टीआरएस जैसा एक स्ट्रांग पार्टी आए, एक स्टेबल पार्टी आए, स्टेबल पार्टी के हुकूमत में ही अमन और चैन रहता है, ये हम सबको भी मालूम है। काबट्टी मंची अवकाशम उंदी, प्रभुत्वंलोकि वस्ता उन्ना